हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेआर टेक क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज का पार्ट 18। और दोस्तों, इसके पहले हम टोटल 17 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखे तो ज़रूर देखिए। और दोस्तों, ये इस एमसीक्यू सीरीज में जो हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे वो करेंगे 3000 एमसीक्यू, जो कि एसएससी के साथ साथ यूपीपीएससी, ईपीआरवीएनएल, डीएमआरसी, एलएमआरसी एंड इन सभी के एई, जेई एंड टीजी टू एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा दोस्तों, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, द नंबर ऑफ बिट्स नीड टू एड्रेस 4 KB मेमोरी इज 6, 8, 12, 16। राइट आंसर इज 12 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरेशन ऑफ हारमोनिक्स इन ट्रांसफॉर्मर इज मेनली ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग लोड, पुअर इंसुलेशन, मैकेनिकल वाइब्रेशन, सेचुरेशन ऑफ कोर। राइट आंसर इज सेचुरेशन ऑफ कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कैपेसिटर ऑफ अ सिंगल फेज मोटर इज शॉर्ट सर्किटेड, द मोटर विल नॉट स्टार्ट, द मोटर विल रन इन रिवर्स डायरेक्शन, द मोटर विल रन इन द सेम डायरेक्शन एज रिड्यूस आरपीएम। यदि कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो मोटर क्या होगी? स्टार्ट नहीं होगी, द मोटर विल नॉट स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चॉपर कैन बी यूज ऑन, चॉपर कहाँ पर यूज हम कर सकते हैं? पल्स विद मॉड्यूलेशन ओनली, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन ओनली, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ओनली, या फिर ऑप्शन ए एंड सी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेडी स्टेट एरर ऑफ अ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम विथ एन एक्सेलरेशन इनपुट टाइम बिकम्स फाइनाइट इन अ टाइप 0 सिस्टम, टाइप 1 सिस्टम, टाइप 2 सिस्टम और टाइप 3 सिस्टम। राइट आंसर इज टाइप 2 सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गुड कंट्रोल सिस्टम हैज ऑल द फॉलोइंग फीचर्स एक्सेप्ट, गुड स्टेबिलिटी, स्लो रिस्पॉन्स, गुड एक्यूरेसी, सफिशेंट पावर हैंडलिंग कैपेसिटी। राइट आंसर इज स्लो रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी एंड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, रूट लोकस, बोर्ड प्लॉट, निक्विस्ट प्लॉट, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज रूट लोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशन ऑफ जीरोज इन ट्रांसफर फंक्शन कॉजेस विच ऑफ द फॉलोइंग, लीड कंपनसेशन, लैग कंपनसेशन, लीड लैग कंपनसेशन, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज लैग कंपनसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रोल सिस्टम डिजाइन स्पेसिफिकेशन फॉर अ केमिकल प्रोसेस इज डिस्क्राइब एज शॉर्ट सेटिंग टाइम, इम्प्रूव डैम्पिंग एंड जीरो स्टेट एरर, वॉट कंट्रोल डू वी चूज, पी बी आई, पी आई आई डी या फिर पी आई डी। राइट आंसर इज पी आई डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सवेल इक्वेशंस इन्वॉल्व चार्ज डेंसिटी, करेंट डेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लो गेन एंटीना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लो गेन एंटीना, डिस एंटीना ऑन अ स्पेसक्राफ्ट, वाईफाई एंटीना, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज वाईफाई एंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड एंड सिल्वर आर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, लो रेजिस्टिविटी कंडक्टिंग मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स, इंसुलेटिंग मटेरियल। राइट आंसर है लो रेजिस्टिविटी कंडक्टिंग मटेरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉल इफेक्ट मे बी यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन ए डिटरमाइनिंग वेदर द सेमी कंडक्टर इज पी और एन टाइप, डिटरमाइनिंग द कैरियर कंसेंट्रेशन, कैलकुलेटिंग द मोबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द रेजिस्टेंस ऑफ सम मेटल और कंपाउंड वेनिसेस अंडर सर्टेन कंडीशन इज नोन एज सेमी कंडक्टिविटी, मैग्नेटोस्ट्रक्शन, क्यूरी पॉइंट, सुपर कंडक्टिविटी। राइट आंसर इज सुपर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 32
वन मल्टीप्लेक्सर हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स। ऑप्शन ए क्या है, 32 इनपुट्स, वन आउटपुट एंड फाइव कंट्रोल सिग्नल। तो दोस्तों राइट आंसर आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कंपैरेटर्स वुड आर 12 वेट फ्लैश एडीसी रिक्वायर्ड। 4095, 3095, 4000 या 2512। राइट आंसर इज 4095। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सैम्पल एंड होल सर्किट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। सैम्पल टाइम इज मच स्मॉलर देन होल टाइम। राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए, सैम्पल टाइम इज मच स्मॉलर देन होल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फास्टेस्ट स्विचिंग लॉजिक फैमिली इज सीमोस, TTL, DTL, ECL। राइट आंसर इज ECL। ECL क्या होता है दोस्तों, एमिटर कपल्ड लॉजिक होता है जो कि BJT बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर टू बाईपोलर ट्रांजिस्टर अ ZFET हैज लोअर इनपुट इम्पिडेंस, हायर वोल्टेज गेन, हायर इनपुट इम्पिडेंस एंड हाई वोल्टेज गेन, हायर इनपुट इम्पिडेंस एंड लो वोल्टेज गेन। राइट आंसर इज हायर इनपुट इम्पिडेंस एंड लो वोल्टेज गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट इम्पिडेंस ऑफ मॉसफेट इज लेस देन FET बट मोर देन BJT, मोर देन दैट ऑफ FET एंड BJT, मोर देन दैट ऑफ FET बट लेस देन BJT, less than that of FET and VJT. Right answer is more than that of FET and VJT. Next question, a 3x8 decoder with two enable inputs is to be used to address 8 block of memory. What will be the size of each memory block when addressed from a 16 bit bus with two MSBs used to enable the decoder, 2K, 4K, 16K or 64K. The right answer is 16K. Next question, the decimal value for the BCD code number is 0001100010. इसका जो BCD code number है वो क्या, decimal number क्या होगा, 18, sorry, right answer is 12. In a DMA write operation, the data is transferred from IO to memory, from memory to IO, from memory to memory, or from IO to IO. Right answer is from IO to memory. Next question, and the last question of the day. The following magnet is used in large machine to create magnetic flux, permanent magnet, electromagnet, temporary magnet, any of the above. Right answer is electromagnet. दोस्तों ये थे क्वेश्चन, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिए दोस्तों। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए PKR Tech Classes. थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।